मेरा आज का प्लान कुछ और था, मगर कुदरत का प्लान कुछ और। कुदरत ने मुझे वो मौका फराहम किया जिसका मैं गुमान भी नहीं कर सकता था। रात से बारिश हो रही है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, मगर मैं एक ऐसी जगह पर अपने कैमरों के साथ मौजूद हूँ जहाँ बादलों की ओर से LOC के उस पार इंडियन ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का एक छोटा सा गांव नज़र आ रहा है और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का केरन नज़र आ रहा है। और इन दोनों आबादियों के बीच में खूबसूरती और बेपरवाही से बहता नीलम दरिया। और इस सारे मंजर पर रक्स करते बादल एक ख्वाब की सी कैफियत पैदा कर रहे हैं। ये ऐसे मनाजर हैं जिनको ना ही कैमरे कैप्चर कर सकते हैं और ना ही अल्फाज बयान कर सकते हैं। कभी कोई शॉट LOC के उस पार से बना लिया और कभी कोई शॉट LOC के इस पार से बना लिया। कभी बादल गहरे हो गए और कभी हल्के। कभी कोई शॉट दरियाए नीलम का बन गया और कभी सारा मंजर ही बदल गया। पूरा दिन बारिश में इसी जगह ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। अपर नीलम विलेज वादी नीलम के दिल में एक पोशीदा जोहर है। ये पुरसकून गांव ना सिर्फ आंखों के लिए दावत है बल्कि तारीख और सकाफत से मालामाल भरपूर जगह भी है। आज मौसम किसी हद तक खुल चुका है और मेरा इरादा अपर नीलम गांव के पगडंडियों पर जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों के मुशाहदे के लिए निकलना है। अपर नीलम, जिसे मुकामी तौर पर बालाई नीलम भी कहा जाता है, इसकी एक तारीख है। ख्याल किया जाता है कि यह गांव इब्तदाई मुगल दौर में कायम हुआ था जो दरिया और तजारती रास्तों के करीब अपने स्ट्रेटेजिक मुकाम की वजह से एक दूर दराज लेकिन अहम बस्ती के तौर पर काम करता रहा है। अपर नीलम गांव एक दिलकश मुकाम से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जहां तारीख, सकाफत और फितरत एक मुनफरिद और अफजूदा तजर्बा तख्लीक करते हैं। यहां का फन तमीर रवायती कश्मीरी तर्जों का एक खूबसूरत इम्तजाज है जिसमें लकड़ी के पेचीदा मकानात हैं जो वक़्त की कसौटी का मुकाबला कर चुके हैं। ये घर इन नस्लों की कहानियां सुनाते हैं जो यहां अपने रस्मों रिवाज को बरकरार रखते हुए बसी हुई हैं। ख्वा सफ़र सहरा का हो, मैदानों का हो या फिर पहाड़ों का, मेरा सफ़र करने का एक ही मकसद होता है, दोबारा से जुड़ना उस राबते से जो कुदरत से टूटा, वो राबता जो लोगों से टूटा और वो राबता जो खुद से टूटा, और इसको बहाल करना। इस काम में मुझे रूहानी खुशी हासिल होती है। यहाँ के लोग कितनी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़्यादातर इन्हसार कुदरत पर ही करते हैं। अपने घरों के बाहर खेती बाड़ी करते हैं जिसमें घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए मौसम के हिसाब से सब्जियां और फसलें काश्त करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मकई काश्त होती है। गोश्त और दूध की ज़रूरत गाय और बकरी से पूरी करते हैं जबकि मुर्गी से गोश्त और अंडे की ज़रूरत पूरी करते हैं। बालाई नीलम की सकाफत अपनी रवायात में गहरी जुड़ी हुई है। शादी की तकरीबात गांव की जिंदगी का एक मुतहरक हिस्सा है
जहां मौसीकी, रक्स और खाना कम्युनिटी को इकट्ठा करता है। गांव के लोग कश्मीरी और मुकामी पहाड़ी रस्म व रवाज के एक मुनफरिद इम्तजाज के साथ जश्न मनाते हैं और अपने भरपूर विरसे की नुमाइश करते हैं। यहाँ कुदरत के नज़ारे ही हसीन नहीं, इन वादियों में बसने वालों के चेहरे और दिल भी हसीन हैं। यहाँ सब सादा मगर खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद दिलो दिमाग कुशादा और मेहमान नवाज हैं। मुझे सब ने ऐसे खुश आमदेद कहा कि जैसे मैं इनका कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त हूँ। दूल्हा ढोल की थाप पर रक्स करते हुए अपनी नई जिंदगी के आगाज की खुशी का जश्न मना रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहां सदियों से आबाद हूं और ये सब मेरे अपने हैं। मेहमानों के खाने के लिए बैठने का आरजी इंतजाम किया जाता है, जिसको देखकर मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। महदूद वसाइल में इतना आला इंतजाम पहली मर्तबा देख रहा हूँ। दुल्हे के दोस्त और रिश्तेदार सलामी देकर अपनी मोहब्बत का इजहार और माली तावन कर रहे हैं। मैं भी दोस्त हूं दाना। दोस्त है ना? मैं भी दोस्त हूं। मेरा नाम भी लिख लो, मोहम्मद अबरार चीमा लिख लो। दोस्त अबरार चीमा, ऑन रिकॉर्ड हो जाए ना। ठीक है, चल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शादी की तकरीबात पर सब रिश्तेदार और दोस्त दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक जगह इकट्ठे होकर खुशी मनाते हैं। इन पगडंडियों पर चलते चलते बार बार जिंदगी से मुलाकात हो जाती है। बालाई नीलम के मकीनों की जिंदगी में फितरत का मरकजी किरदार है। जाबजा खेत और सरसब्ज बागात रोजी रोटी का जरिया है। दरियाए नीलम अपने साफ व शफाफ पानी के साथ ना सिर्फ एक कुदरती अजूबा है बल्कि गांव के लिए लाइफलाइन भी है। मुझे बच्चे हमेशा कौंपलों की तरह पाकीज़ा, खुश रंग और खुशबूदार महसूस होते हैं। अपर नीलम के हर घर का आंगन फूलों, फलों और सब्जियों से सजा हुआ है। मुआशरे के ये कीमती किरदार भी इन्हीं वादियों में मिलते हैं।
यहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। मुकामी स्कूलों के साथ इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि नौजवान नस्ल जदीद इल्म और अपनी सकाफ़ती जड़ों दोनों से बखूबी वाकफ़ हो। गाँव अपनी रवायती तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखते हुए तरक्की के मौके फराहम करने की कोशिश करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने खुद चाहता है। शहरों से दूर इन वादियों के छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों को जिस डिसिप्लिन के साथ तालीम दी जा रही है वो काबिले सताइश है। इन बच्चों के चेहरों पर मौजूद एतमाद और आंखों की चमक इनके मुस्तकबिल का पता दे रही है। जिन हालात में ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं इसको देखकर बहुत तकलीफ हो रही है कि हम अपने मुस्तकबिल के साथ ये सलूक कर रहे हैं। कौन सी क्लास है? क्लास टू। ना मुनासिब बैठने की जगह है, ना ही मुनासिब बिल्डिंग और ना ही इस बिल्डिंग में मौजूद क्लासरूम्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? जबरदस्त। आपने क्या बनना है? डॉक्टर? क्रिकेटर बनना है? आपने क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। जबरदस्त आप फौजी बनोगे ना? आपकी कटिंग बता रही है कि आप फौजी बनोगे। आपने क्या बनना है? मैंने पायलट बनना है। जिंदाबाद। आर्मी में जाना। टीचर। आर्मी में जाना। इंजीनियर। क्रिकेटर। आपने क्या बनना है? इंजीनियर। और आपने? पायलट। मैंने डॉक्टर। डॉक्टर। और आपने? फौजी। जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या बनोगे? मैं आर्मी ऑफिसर। और ये मेरी बच्ची ने क्या बनना है? डॉक्टर। कोई नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। डॉक्टर बनना है। और आपने? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर माशाल्लाह। और आपने? डॉक्टर। और आपने? डॉक्टर। कितने डॉक्टर? इन बच्चों के जज्बे ने मुझे बहुत इत्मीनान और उम्मीद दिलाई है। इन बर्फपोश चोटियों के खूबसूरत दामन में कितने हसीन दिल आबाद हैं और ज़िंदगी रवां दवां है। आप यहाँ पर फैमिली के साथ अपनी गाड़ी पर हर मौसम में बआसानी पहुँच सकते हैं। आपको यहाँ हर किस्म का होटल मुयस्सर है। लोग इंतहाई मोहब्बत से पेश आते हैं और तआवुन करते हैं। कभी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। यहाँ से टूरिस्ट रत्ती गली झील,
पतलियां झील, डोमेल, जबरी मेडो और बेबून टॉप जाने के लिए रुकते हैं और जीपों का इंतज़ाम बासानी हो जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि नीलम वैली की सीरीज़ अभी सारी की सारी बाकी है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।